दुनिया में 195 मुल्क है, पर कौन सा इलाका फिलिस्तीन है और कब वो इसराइल बन गया पता ही नहीं चलता। ये 2023 की लड़ाई भी इन्हीं दोनों मुल्कों की है, लगती आज की है, पर शुरू तब हुई थी जब पूरा इलाका अरब देश था और पूरे इलाके में मुसलमानों का वर्चस्व था। आज यहाँ का आधे से ज्यादा हिस्सा इसराइल का है और इसमें ज्यादातर यहूदी रहते हैं। कहने को तो ये जमीन की लड़ाई है, पर गौर से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मामला धर्म का है। कहने को तो जूस, ईसाई और इस्लाम अलग अलग धर्म है, पर तीनों एक ही खुदा को मानते हैं, जिसको कि इब्राहिम मानता है। तीनों धर्म जेरूसलम को अपना पावन जगह मानते हैं और उस पर अपना हक जमाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। ज्यादा पीछे ना जाते हुए मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। जब 19वीं सदी में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का फैसला किया, और इस देश के लिए उन्होंने जो जमीन चुनी वो फिलिस्तीन की जमीन थी, जहां मुसलमान बसते थे। पहले विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के कुछ हिस्से, जिसमें फिलिस्तीन भी शामिल था, वो अंग्रेजों के रूल के अंडर था, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई और उन्हें एहसास हो गया कि यहां अगर और ज्यादा दिन शासन किया तो उनका फटके फ्लावर हो जाएगा। और फिर जाते जाते अंग्रेजों ने उस इलाके का कुछ ऐसा हाल कर दिया जिसे देख के लोग आज भी बोलते हैं, का बवासीर बना दिया। जी हाँ, 1948 में वहां से जाने से पहले अंग्रेजों की जिंदगी का बस एक के मकसद था, वो जगह पे हमको इजराइल बसाना है। इसके बाद अंग्रेजों की मदद से यहूदियों का फिलिस्तीन के इलाके में जमकर जमीन खरीदने का बंदरबाड़ चलने लगा, और 1947 आते आते यूनाइटेड नेशन की मदद से इस इलाके को फिलिस्तीन और इजराइल में डिवाइड कर दिया गया, और अंग्रेजों को लगा कि सब ठीक हो गया। यहूदी खुश थे और फिलिस्तीन के मुसलमान नाराज, और फिर फिलिस्तीन के लोगों को एक आइडिया आया, यहूदियों से लड़ना है तो आसपास के मुसलमान देशों से हाथ मिला लो। फिलिस्तीन के मुसलमानों को परेशान देख आसपास के अरब देश उनका साथ देने आ गए और फिलिस्तीन को यहूदियों से आजाद करने की कसम खाने लगे। मैंने ये कसम ली है और जान देकर भी निभाऊंगा। 14 मई 1948 को जैसे ही इजराइल स्टेट की स्थापना हुई, वैसे ही फिलिस्तीन की फौज ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पे हमला बोल दिया, और पर उधर इजराइल अमेरिका की मदद से फुल एटीट्यूड में तैयार बैठा था। गुंडाई करना चाहता करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो। बहरहाल लड़ाई शुरू हुई और इसराइल ने मार बम पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया और फिलिस्तीन के ज्यादातर जमीन पे कब्जा कर दिया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, पहले 1967 में और फिर 1973 में भी अरब देशों के बहकावे में आकर के फिलिस्तीन ने इसराइल पे अटैक किया, और इसराइल ने बार बार फिलिस्तीन को हराया और बार बार उनकी जमीन पे कब्जा किया। नतीजा ये हुआ कि फिलिस्तीन के लोग बस गाजा और वेस्ट बैंक में सिमट के रह गए। इतना बड़ा हो जाए नीचे ही रहता है। समय बदल चुका था और धीरे धीरे फिलिस्तीन को समझ आ गया कि इसराइल से लड़ना बेवकूफी है, इसलिए बेहतर है कि दोनों देश साथ में प्यार मोहब्बत से रहे। चाचा ये जो झगड़ा चला रहा है इसको बंद करिए ना। झगड़ा तुमरे अब्दू ने शुरू किया था। चाचा देखिए, वैसे तो हमारे दादा को आपके दादा ने गाँव से निकाला था ना, अभी झगड़ा शुरुआत कहाँ से हुआ, ये सब खोजते बैठेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। और इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और उसके नेता यासर अरफात ने 1993 में इसराइल को रिकॉग्नाइज किया और साथ में साइन किया ओस्लो अकॉर्ड। PLO और इसराइल में दोस्ती बढ़ता देख इसराइल के कट्टरपंथ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास बौखला गया। जहां PLO चाहता था पूरे फिलिस्तीन उसका साथ दे, हमास का स्टैंड क्लियर था, हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है, हमको आता है नमक अदा करना। ओस्लो अकॉर्ड के बाद इसराइल फिलिस्तीन के बीच सालों तक शांति रही, दोनों मुल्क प्यार मोहब्बत से रहते थे, पर 2000 आते आते दोनों देशों के ऑपोजिशन लीडर को समझ आ गया ये मजा है ना ज्यादा दिन ही रहने वाला, और वैसा ही हुआ। सितंबर 2000 में इसराइल के अपोजिशन लीडर एरियल शारोन ने अल-अक्सा मस्जिद का दौरा किया। अल-अक्सा में शारोन के जाने से फिलिस्तीन के मुसलमान भड़क गए और इसराइल के सेना से लड़ाई करने लगे, पर जहां इसराइल की सेना टैंक और रॉकेट से अटैक करती थी तो फिलिस्तीन के विरोधी बस पत्थर फेंक पाते थे। लड़ाई करीब 2 दिन तक चली और इसमें इसराइल ने फिलिस्तीन को काफी नुकसान पहुंचाया और उनकी और भी जमीन पे कब्जा किया, और ये सब देख करके फिलिस्तीन के लोग वहाँ की पार्टियों जैसे हमास और फतेह से बस एक ही सवाल कर रहे थे, कब खून खौलेगा रे तेरा। और इस सवाल पे हमास का एक ही जवाब था, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा हमास। उनका खून तो खौला पर इसराइल से लड़ने की बजाय हमास और फतेह आपस में ही लड़ने लगे। 2005 में फिलिस्तीन में पहली बार चुनाव हुआ और हमास चुनाव जीत गई। हमास की जीत के बाद हमास और फतेह में सिविल वार शुरू हो गया। हमास ने फतेह को गाजा से भगा दिया और वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लिया। उधर हमास के गाजा में बढ़ते वर्चस्व को देखकर इसराइल ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और गाजा पे एयर, लैंड और नोवेल ब्लॉकेट लगा दिया, और ये सब देख धीरे धीरे अरब देश जैसे सऊदी ने भी हमास के साथ छोड़ दिया। तुमसे ना हो पाएगा।
तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। वो दिन है और आज का दिन है, इजराइल और गाजा में आज तक लड़ाई जारी है।